हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंसु त्रिपाठी है। मैं एक बेरोजगार युवा हूं। आपकी ही तरह मैं भी रोजगार के लिए भटकता हूं। मैं BSc बायोटेक से पढ़ा हुआ हूं। मैंने MP पुलिस का फॉर्म भरा था और जो भी एग्ज़ाम होते मैं सबके फॉर्म डालता हूं। लेकिन मैंने विगत कुछ वर्षों में देखा है कि जो भी सरकार है प्रदेश में या सेंट्रल में, उन्होंने केवल अपना स्वार्थ देखा है, हम युवाओं का स्वार्थ कभी नहीं देखा है। अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना की लहर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में है, लेकिन हम देखते हैं कि कोरोना की लहर वहीं है जहां चुनाव नहीं है, और वो चुनाव नहीं है जो कि नगरीय निकाय के चुनाव भी पीछे हो रहे हैं लेकिन विधानसभा या लोकसभा के चुनाव या उपचुनाव पीछे नहीं हो रहे हैं। क्या उधर कोरोना नहीं है? न बिहार, पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है, लेकिन हमारे MP में जब MP पुलिस की भर्ती आने की बारी आई और उसका पेपर होने की बारी आई, तो एक तो 4000 वैकेंसी इन्होंने निकाला और फिर उसमें पेपर पीछे कर दिया, पेपर को पोस्टपोन कर दिया केवल एक आधार पे कि कोरोना है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप सरकार से पूछिए कि क्या कोरोना पश्चिम बंगाल में और जहाँ चुनाव है उन राज्यों में नहीं है? हमारे MP में MP पुलिस के पेपर के लिए ही कोरोना है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब आए एक साथ, एक मुद्दा बने और सरकार से ये पूछे कि आखिरकार क्यों युवाओं के साथ भेदभाव, क्यों युवाओं के सपनों के साथ भेदभाव, क्यों एक तो वैकेंसी आती है 3-4 साल में और फिर आप उसकी डेट पोस्ट पॉन करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ और आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि आइए आप मेरे साथ आइए और हम सब मिलके सरकार से पूछे कि क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। अगर हम 12 लाख फॉर्म डालते हैं, 4000 वैकेंसी आप देते हो, उसमें भी हमको सालों साल वेट करना पड़ता है, आप क्यों ऐसा करते हो? आप और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके हमारे इस समस्या का हल करिए। हम सब बहुत परेशान हैं, हमारे जो भी सपने थे वो टूट रहे हैं, हमारे माँ बाप पर हमको परेशान करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग बाहर रहते हो, किस हिसाब से क्या तैयारी करते हो। हमारे परिवार हमसे बार बार ये उत्तर चाहते हैं और हम अपने परिवार के प्रति जवाबदेहिता के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारे को कुछ निदान दीजिए।